हेलो गाइस, मैं बलराम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज एक नए वीडियो लेके हाजिर हूँ, जो कि मेरे पास एक फिलिप्स का टीवी है जो आपका पावर आता है लेकिन टिक टिक करके कुछ आवाज़ आता है अंदर से। ठीक है गाइस, तो इस साइट को क्या इसे रिपेयर करेंगे और क्या खराब है इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है गाइस, तो मेरे साथ बने रहिए आप लोग और मुझे सपोर्ट करते रहिए। ठीक है गाइस, तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से, और घंटी आइकन को जरूर से दबाएं क्योंकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। ठीक है गाइस, और जिन लोग मेरा वीडियो देखते हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है गाइस, तो कुछ अगर जानकारी चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप में SMS कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो व्हाट्सअप में मुझे मैसेज जरूर से कीजिए, मैसेज आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं इस टीवी में देखते हैं क्या खराब है। ठीक है गाइस, तो चलिए देखा दो। हेलो गाइस, तो ये है हमारा टीवी। ठीक है, ये फिलिप्स का टीवी है गाइस, जो आपका 20 इंच का नहीं है, ये आपका 21 इंच का है। ठीक है गाइस, तो इस पे हमारा जो प्रॉब्लम है वही मैं आपको बता चुका हूँ पहले। ठीक है, तो ये देख सकते हैं जप्पा मॉडल का ही, सबसे जप्पा मॉडल ही है ये, थोड़ा बहुत लंबा है सिर्फ सर्किट इसका। ठीक है गाइस, तो बाकी सारा सेम ही है उसमें। तो इस पे आप ये जो ST है देख सकते हैं, मैंने इसको चेंज करके रखा हूँ अभी, ST का नंबर भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा जो पहले वाला ST है, ये वाला ST है। ठीक है, तो इसमें नंबर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जो आपका नया नंबर मैं इसमें डाला हुआ वो आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो इस पे जो प्रॉब्लम है, मैं जब इसमें पावर देता हूँ, पावर देने के हाथों हाथ क्या होता है, ये टिक टिक करके आवाज़ आता है यहाँ से। ठीक है, तो कुछ भी नहीं आता है, ब्लैक स्क्रीन हुआ हुआ है। ठीक है गाइस, तो इस पे इस मॉडल में क्या होता है, ज़्यादातर आपका 100 जो इस टीवी का नहीं है, जो इस प्रॉब्लम का हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इस टीवी में 110 वोल्ट के जगह 95 आता है। ठीक है, तो हर किसी का जो 110 वोल्ट सप्लाई है वो अगर ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, तो अभी आपका इस प्रकार का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, अंदर से टिक 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 करके आवाज़ आता है, मतलब सप्लाई आपका ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ आउटपुट का, ठीक है, तो ये में ट्रांजिस्टर कितना नंबर का होता है। ठीक है, तो इसमें आपका ओरिजिनल जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है, तो इसमें जो ट्रांजिस्टर था ये भी आपको मेंशन करता हूँ यहाँ पर, तो ये ट्रांजिस्टर उड़ा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर के साथ हमारा ST भी ख़राब हुआ हुआ है। तो 4508DX देख सकते हैं, इस ब्लू है ये। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर के हिसाब से व्यू है, तो व्यू। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम 1802 को यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है गाइस, बड़ा वाला ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं यहाँ पर 1802। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैंने 1802 को यूज़ किया हूँ। ठीक है गाइस, जो कि इनपुट में लगता है। ठीक है, 1802 भी आपको यूज़ कर सकते हैं, इनपुट में जो भी ट्रांजिस्टर लगता है, ठीक है, वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो इसी यहाँ पर यूज़ करते हो, तो इसका जो ST का नंबर है मैं आपको दिखाऊँ, ये देख सकते हैं आपके ST का नंबर, आप लोग ST का नंबर 19196 है। ठीक है, तो गाइस इसका ST का नंबर तो देख सकते हैं, तो मैंने इसको चेंज किया और ये इसको चेंज किया, साथ में मैंने क्या किया, इस बूस्ट जो PF है 1600 वोल्ट का, ठीक है गाइस, इसको भी मैंने चेंज करा दिया हुआ है। ठीक है गाइस, तो इसके लिए भी कभी कभार होता है, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं हुआ है, मैंने इसको ऐसे ही चेंज कर दिया हूँ, जो पहले वाला बूस्ट PF है ये देख सकते हैं, ये वाला है, तो इसको चेंज करिए या नहीं करिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये अगर ज़्यादा फुला हुआ होता है तो ही आप इसको चेंज करें, अगर फुला हुआ नहीं है तो आप इसको चेंज मत करिए। ठीक है गाइस, तो यही है प्रॉब्लम इसका। ठीक है, तो ये दोनों ख़राब होने का हाथों हाथ क्या होता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है जो कि सप्लाई प्रोवाइड करता है ST के लिए। ठीक है गैस, ये रेजिस्टेंस भी जल जाता है कभी कभार, तो इसमें मेरा इसमें जो ऊपर वाला में जला हुआ है, लेकिन ये रेजिस्टेंस वगैरह में सही है, तो ये TV ऑन हो रहा है। ठीक है गैस, तो इसमें से हम इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो कम गया, और आपका लोड लेने समझ जब लोड लेगा ये, तो आप सपोज ये आपका छोड़ भी दे सकता है, तो इसीलिए हम इसको चेंज करा देंगे, या नहीं तो आप इसको फ्यूज़ का हिसाब से यहाँ पर
तार भी जम्पर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसके बदले हम इसका एसटी का नंबर भी दे दिया, यहाँ पर मैंने क्या क्या चेंज किया वो भी मैं आपको बता दिया हूँ और सामान भी दिखा दिया हूँ। ठीक है, तो इसका सपोज मैं आपको एक बार वर्टिकल आईसी का नंबर भी मैं दिखा सकता है, लेकिन इसका वर्टिकल आईसी जो है वो अंदर में है, तो इसका देखता हूँ जूम करके कुछ नंबर दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो इसका नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, तो गाइस मैं इसको अभी कोशिश करता हूँ दिखाने की आप लोगों को। गाइस, तो इसका वर्टिकल आईसी का जो पिन है इसका बहुत ज़्यादा पिन है, आपको देख सकते हैं ये नॉर्मल वर्टिकल आईसी का जैसे नहीं है, ये मॉनिटर में ज़्यादा यूज़ होता है ये वर्टिकल आईसी। ठीक है गाइस, जो मॉनिटर टीवी आता है, मॉनिटर पहले वाला मॉनिटर आता है, तो उसमें ये आईसी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है गाइस, तो इसका नंबर आप लोग जब खोलेंगे तो पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका नंबर नहीं बता सकता अभी, इसमें खोलूँगा नहीं। ठीक है, तो बाद में कभी दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, जो इसमें प्रॉब्लम जो था वही मैं बता दिया हूँ आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एसटी लगा दिया आपने, इसको लगा दिया, ऑन हो गया सेट, सपोज आपका टीवी ऑन होकर तुरंत एक दो सेकंड बाद ऑफ हो जाता है, तो अब क्या करना है, आपको एसटी को ज़रा सा एडजस्ट कर देना है। ठीक है, उसका मेजरमेंट से बिठा देना है। ठीक है गाइस, तो आपका ये प्रॉब्लम भी चला जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इसको। ठीक है, ठीक है गाइस, तो इसको मैंने ऑलरेडी लगा दिया हुई पिक्सर ड्यू में। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब पुराना एसटी आप खोलेंगे, सपोज आपका पुराना एसटी चालू हुआ है, फायरिंग शायरिंग होता है, तो आप इसको डिस्चार्ज करके कर लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर झटका मिलने वाला है। तो इसीलिए आपको इसको ग्राउंड के साथ एक तार लगा के इसको डिस्चार्ज कर लीजिए पहले, उसके बाद में इसको छूने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपको झटका मिलेगा जोरों का। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पर अभी इसको पावर देते हैं, तो पावर देने के हाथों हाथ क्या होगा, हमारा सेट ये ऑन तो हो जाएगा लेकिन तुरंत ऑफ भी हो सकता है। आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पर ग्लास में आप देखेंगे यहाँ पर ये सेट हमारा चालू हो चुका है, अभी ये शायद आपका ऑफ भी हो सकता है, ये देख सकते हो ऑफ हो चुका है। तो गाइस, यहाँ पर ही आप लोग मार खाते हो, ज़्यादा लोग तो सोचेंगे कि यहाँ पर दूसरा कुछ फॉल्ट है गाइस, लेकिन यहाँ पर कुछ भी दूसरा फॉल्ट नहीं है, आपको सिर्फ एसटी को ही एग्जास्ट करना है। एसटी को एग्जास्ट करने से ही ये फॉल्ट सही हो जाता है गाइस, ये 100% सोल्यूशन है। एसटी को एग्जास्ट कीजिए, एसटी को अच्छे से बिठाइए, उसका पोजीशन में उसको बिठाइए, एडजस्ट करके उसका जो पोजीशन है उसको आपको बिठाना है। ठीक है, तो उसका पोजीशन में बिठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो पोजीशन है यहाँ पर ही आप बिठाएंगे तभी ये बैठेगा। इसका पोजीशन में बिठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक चैनल प्लस को आपको दबाते रहना है जो ये बंद ना हो उसको, उसके बाद में इस यहाँ पर स्टैंड बाई कर दीजिए। स्टैंड बाई करने के बाद आपको ये वापस आ जाएगा, यहाँ पर ये वापस ऑफ हो गया मेरा सेट, जो इसके भी मेरा वीडियो में काफ़ी वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, चैनल प्लस इसका दबाते जाऊंगा और एसटी को एडजस्ट करता रहूंगा। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखें, उसको करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेट जो यहाँ पर जो मेरा रेजिस्टेंस जला हुआ था। ठीक है, इस रेजिस्टेंस जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जला हुआ 100 मतलब 1 ohms का जो भी हो, तो ये कॉयल रेजिस्टेंस है जो मैंने आपको बताया था जला हुआ है। ठीक है, इसको क्या करना होगा, आपको ये जो रेजिस्टेंस है इसको आपको डायरेक्ट कर दीजिए, क्योंकि इसका जो वैल्यू है ये घट गया है, तो आपको जब ये वो लूट लेता है तो आपका ये कभी कभार छोड़ देता है, तो आपको सबसे पहले इसको डायरेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट हुआ था तो इस रेजिस्टेंस पे चोट पहुँचाए और इसलिए ये जल गया है, तो इसको आपको पहले डायरेक्ट करना है, उसके बाद ही आपको एसटी को एडजस्ट करना है। ठीक है, अगर नहीं तो आपका एसटी एडजस्ट करने से आपको बैठेगा ही नहीं, क्योंकि ये ऐसे लोड एसटी लेगा तो ये वापस छोड़ देगा, सप्लाई यहाँ पर बंद कर देगा, तो यहाँ से वापस आपका टीवी ऑफ हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान दे। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ। हेलो गाइस, तो यहाँ पर मैंने एक जंपर कर दिया हो, यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाने के लिए जंपर किया, उसके बाद मैं इसको सही कर दूंगा, उसका पोजीशन में इसको दे दूंगा, रेजिस्टेंस को हटा देंगे और उसका अंदर में इसको दे दूंगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए, सही करने के लिए इसको यहाँ पर मैंने जंपर दिया हो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैं इसको वापस सीधा करता हूँ। तो हम इसको वापस पावर देने की बारी आ चुके हैं।
तो हमको क्या करना है, पहले इसका थोड़ा सा मैं एसटी को ज़्यादा कर लेता हूँ, ठीक है, कम नहीं, इसका एसटी को थोड़ा सा हमको बढ़ा देना है, पूरा फुल नहीं बढ़ाएंगे, उसका थोड़ा सा कम बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम इसको देते हैं पावर, दे दिए हैं हम पावर इसको, अभी देखेंगे सामने आ चुकी है रिटेस्ट लाइन, ठीक है। तो हम एसटी को थोड़ा सा घटाएंगे यहाँ से, स्किन को कम करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर एसटी ये बंद हो जाएगा, पर जितना टाइम एसटी बैठेगा नहीं सही पोजीशन में, ये ऑफ ऑफ होते जाएगा गाइस। तो आपको प्रोग्राम दबाते रहना है और इसको सेट करते रहना है, ठीक है। जितने टाइम ये बैठेगा नहीं ये ऑटोमेटिक ऑफ होता जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं इसको बिठाने के लिए, इस पर आपका प्रोग्राम दबाते रहना है, तभी आपका ये रुकेगा। देख सकते हैं गाइस ये हमारा रुक चुका है अभी, क्योंकि ये हम मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रोग्राम दबाते गया तो हमको एसटी को एडजस्ट किया, तब हमारे ये सही पोजीशन में आ चुके हैं। देख सकते हैं ये हमारा सिल्ट ओके हो चुका है, अभी ये रुका हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी इस तरह सा प्रॉब्लम नहीं होता है, ज़्यादातर एसटी को एक बार ख़राब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये सही पोजीशन में लाने के लिए थोड़ा सा एसटी को एडजस्ट करना पड़ता है, उसके बाद में ये सही हो जाता है, ठीक है गाइस। तो देख सकते हैं अभी तक है तो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इतना कोशिश करके वीडियो बनाता हूँ, ठीक है गाइस। तो आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो लाइक, अगर नहीं करते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम दिक्कत आता है, ठीक है गाइस। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से कीजिए, ठीक है गाइस।